दोस्तों अगर आप इस शार्दुल ठाकुर को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, वहीं आज इस मुकाबले में शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी में भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाड़ी पड़ते हुए नजर आए और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं उन्होंने ऐसा क्या कहा, लेकिन इससे पहले आप सभी को क्या लगता है बुमराह और शार्दुल में से कौन बेहतरीन गेंदबाज है? अपनी बात का जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला जोहान्सबर्ग के वांडर्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका की पहली पारी में 229 रनों पर सिमट गई, वहीं टीम इंडिया 27 रनों से पिछड़ने के बाद दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन बना के गई है। हालांकि भारतीय खेमा अब दूसरे दिन पूरी तरह पुजारा रहाणे की जोड़ी पर निर्भर कर रही है कि मैच का पलड़ा किस तरफ झुकता है। जोहान्सबर्ग टेस्ट में साउथ अफ्रीका की पहली पारी 229 रन के स्कोर पर सिमट गई। टीम इंडिया के लिए इस मैच में नए हीरो साबित हुए ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने अपने करियर में बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए 61 रन देकर 7 विकेट चटकाए। इसके अलावा तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 2 और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट ही हासिल किया। खास बात यह रही कि ठाकुर इस ग्राउंड पर एक पारी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अनिल कुंबले 53/6 का रिकॉर्ड तोड़ा था। बता दें कि टीम इंडिया ने पहली पारी में 202 रन बनाए थे। टीम के लिए सबसे ज्यादा रन कप्तान केएल राहुल ने 50 रन बनाए थे, जबकि आर अश्विन ने 46 रनों का योगदान दिया था। मेजबान साउथ अफ्रीका से पहली पारी में पिछड़ने के बाद दूसरी पारी में कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल बल्लेबाजी करने आए। हालांकि कप्तान केएल राहुल 8 रन बनाकर मार्को जॉनसन का शिकार बने। 24 रन पर कप्तान का विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया ने अपना दूसरा विकेट सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल के रूप में गवाया। मयंक अग्रवाल 23 रन बनाकर ओलिवर की गेंद पर LBW आउट हो गए। हालांकि उसके बाद अब तक फ्लॉप चल रहे चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने टीम को कोई नुकसान नहीं होने दिया। 11 ओवर में 44 रनों पर 2 विकेट गंवाने के बाद अजिंक्य रहाणे क्रीज पर बैटिंग करने आए। दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 गेंदों पर 41 रनों की पार्टनरशिप हुई है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन बना चुकी है। इस दौरान चेतेश्वर पुजारा 7 चौके की मदद से 35 रन और रहाणे 1 चौके की मदद से 11 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे हैं। इस तरह टीम इंडिया के पास दूसरी पारी में 58 रनों की बढ़त हासिल हो गई है। वहीं दोस्तों आज के दिन का खेल खत्म होने के बाद जहां शार्दुल ठाकुर की तारीफ हर जगह हो रही है, वहीं साउथ अफ्रीकी टीम के कुछ खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा नाराज दिखाई दिए और भारतीय टीम और शार्दुल ठाकुर को लेकर कुछ ऐसी बातें कहीं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों बता दें कि सबसे पहले डिविलियर्स ने भारत की गेंदबाजी पर कहा है कि जिस प्रकार से भारत की गेंदबाजी हो रही है, यदि हमारी टीम उस तरह से गेंदबाजी करे तो भारत आसपास भी नहीं दिखाई दे। हमारा होम ग्राउंड होने के बावजूद हम भारतीय टीम से पिछड़ रहे हैं। अगर शार्दुल ठाकुर जैसे गेंदबाज हमारी टीम में हो तो क्या बात होगी। वहीं दोस्तों इसके बाद डीलर स्टेन भी भारतीय टीम पर बढ़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से राहुल कप्तानी कर रहे हैं वो बेहद शानदार है, ऐसी कप्तानी तो धोनी ही किया करते थे, लेकिन फिर भी इस मुकाबले को हमारी टीम ही जीतेगी। वहीं इसके बाद हर्षल गिब्स ने भारतीय टीम की गेंदबाजी को लेकर कहा कि वो बेहद शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम के बल्लेबाज भी कुछ कम नहीं, दूसरी इनिंग में हम भारत को धूल चटा देंगे। दोस्तों कुछ ऐसे प्रकार से अफ्रीकी टीम के खिलाड़ी भारतीय टीम पर भड़कते हुए नजर आए, लेकिन आप सभी को क्या लगता है ये कौन सी टीम दूसरे टेस्ट मैच को जीत कर अपने नाम करेगी? इस बात का जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद।